आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज जुमा का दिन है, सालू क्या खाने वाली है? चॉकलेट। बिरयानी नहीं खाएगी? बिरयानी बन रही है। नमाज पढ़ेगी सालू? नमाज पढ़ने की अलग है। मुस्लिम, हर मुस्लिम को नमाज पढ़नी चाहिए ना, बताओ? हाँ, पढ़नी चाहिए, तो नमाज नहीं, क्योंकि नमाज बहुत जरूरी है। हाँ, तो नमाज नहीं पढ़ता है वो आग वाले में जाता है, तो नमाज पढ़ता है वो ना जन्नत में जाता है। हाँ, तो नमाज बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, नमाज जो नहीं पढ़ता वो बुरे लोग होते हैं, तो नमाज तो पढ़ते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। तो और सालू को अरबी पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा। कितना अच्छा लगता है बता दो। चटा। और सालू अरबी पढ़ना पसंद करती है, दुआ सालू को आता है, तो दुआ कौन कौन सा याद है सालू, सुनाना चाहोगी तुम? हाँ। तो पढ़ के सुनाओ बेटा, सोने की दुआ सुना दो। सोने की दुआ तो मिला ही, मैं खाने की दुआ सुना। ठीक है, सुना दो। मिला ही वाला। वेरी गुड, माशाल्लाह। और उसके बाद सोने की दुआ सुना दो, बिस्मिका, बिस्मिल्ला करके। बिस्मिका अल्लाहुम्मा अमूद वाहिया। माशाल्लाह। और कुछ कहना चाहोगी? क्या कहना चाहोगी? कहना चाहूंगी कि अल्लाह ही सब कुछ हम को बनाया है, अल्लाह ही हम को पैदा करे है, अल्लाह ही ये दुनिया को बनाया है। हाँ, अल्लाह नहीं है तो ये दुनिया नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है। तो सालू मतलब ये कहना चाह रही हो कि दुनिया में अल्लाह ने हमें बनाया है, तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए। और हाँ, और जन्नत में जाके अल्लाह से ही सब कुछ मांगनी चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हमें मम्मी पापा की बात मानना चाहिए। तुम मानती हो? मानूंगी ना, मानोगी ना? हाँ, तो बिल्कुल अपने से जो भी बड़े हैं उनकी भी बात मानना चाहिए, ठीक है ना? मतलब कि खाले को बड़ी है, एक खाला है, तो ना सबसे बड़ी है, उनसे अच्छे से बात करना चाहिए। मारे तो मारने नहीं चाहिए उनको। और अप्पी है तुम्हारी पप्पी, उसका भी इज्जत करना चाहिए, वो जो भी कहती है उसको करना चाहिए। मतलब अपने से जो भी बड़े हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, ठीक है? अल्लाह से डरते रहना चाहिए, रोज़ा करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान से पढ़ना चाहिए, है ना? मम्मी, और ये भी हो सकता है जो नमाज नहीं पता उस पर बहुत बड़ा बाब होता है ना? नहीं बेटा, ऐसा भी मतलब होता है कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो बुरे होते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? लेकिन नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज बहुत ज़रूरी है, उसको नमाज एक भी दिन छूट जाएगा तो क्या होएगा? होएगा कि ना अल्लाह के लिए, मतलब कि ना हर मुख जन्नत में नहीं जा सकते, हर मुख आग वाले में जाएंगे, इसी नमाज को हमेशा दो दिन भी नहीं छोड़े। हाँ, पढ़ते रहे। बिल्कुल, माशाल्लाह। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।